हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़िया। और आप लोग सोच ही रहे होंगे कि आज तो दीदी का रुतबा ही चेंज है, लुक ही चेंज है। मतलब आज तो दीदी का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो हाँ, आज मैंने साड़ी पहनी है। आज कुछ स्पेशल डे है, अभी आपको पता चल जाएगा क्या। तो यहाँ पर मैं तेल डाल दी हूँ और साइड में मैं बेसन लगा रही हूँ। बेसन में मैं नमक डाल रही हूँ, वो थोड़ा सा नहीं दिख पा रहा कैमरे में और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाली हूँ और थोड़ा सा लहसुन और मिर्ची अच्छे से कूट कर वो डाल दी हूँ। और इसके बाद फिर मैं चटनी की तैयारियाँ कर रही हूँ, टमाटर काट रही हूँ। जब तक मेरा तेल गरम होता है ना, जब तक मैं फटाफट से सोच रही थी कि मैं चटनी पीस लेती हूँ, तो चटनी के लिए मैंने टमाटर काट ली। जब तक मेरा तेल गरम हो गया तो मैंने कहा चलो जब तक मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि तेल जो है ना वो मेरा गर्म हो गया था। तो यहाँ पर मैं छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना रही हूँ, क्योंकि छोटी ही पकौड़ियाँ अच्छी लगती है खाने में। और ये किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे और बाबू जिद कर रही थी यहाँ बैठने के लिए, उसकी आदत हो गई। और आज मैं सच बताऊँ, आज मैं आप लोगों के सामने सही सलामत हूँ आप लोगों की दुआओं की वजह से, क्योंकि आज मुझे इतनी ज़ोरों का करंट लगा, इतनी ज़ोरों का झटका लगा। अभी आप देख ही लीजिएगा, खुद ही देख लीजिएगा, पता नहीं कैसे मेरी मिक्सी में करंट आ गया अचानक से, मुझे खुद ही नहीं पता चला। अभी देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी जैसे ही मैं तार लगाती हूँ। और तार लगाने के बाद ही पता नहीं कैसे अचानक से आ गया। मैं तो सोच ही रही थी कि ये क्या हो गया यार। फिर ये देखिए, जैसे ही मैंने तार लगाया यहाँ पे, ये यहाँ पे मैंने स्पीड स्लो कर दी है, मतलब बढ़ाई नहीं है। और ये देखिए मुझे कितनी तेज़ से झटका लगा, मैं पीछे हट गई हूँ एकदम से। पता नहीं कैसे अचानक से झटका लग गया, समझ में ही नहीं आया मुझे। पता नहीं जैसे मिक्सी मार दिया है, देखा आपने, मैंने इनको बुलाया कि मुझे करंट मार दिया। उसी समय मुझे गुस्सा भी आ गई थी यार, क्योंकि बाबू भी थी वहां पे, फिर डर हो जाता है ना, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से पकौड़ियाँ बना ली और मेरी ये देखिए पकौड़ी रेडी हो गई। फिर ये चटनी ये पीसे हैं चप्पल पहन कर, क्योंकि मैं नीचे नंगे पैर थी तो अर्थिंग भी ले लेता है ना। तो हमारी फटाफट से पकौड़ियाँ बन गई, तो चलिए खा लेते हैं। अभी बज चुके हैं दोपहर के 1:30 या एक बजने वाले हैं, सॉरी 15 मिनट बाकी है, और 12:30 बज चुके हैं। और बाबू को दिखाती हूँ, बाबू क्या बनी है। बाबू को मैंने बनाया है राधा, अभी मैंने बनाया राधा, इसके बाद मैं बनाऊंगी कृष्णा। ओ राधा हो, राधा राधा रानी कहो तुम, सारी जान दे दो। राधा रानी कहो तो क्या कर दे, क्या कर दे बताओ। राधा रानी, राधा रानी, हले राधा रानी शर्मा गई, निकल गया। बेबू बाबू दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो क्या बनी। वाह बहुत सुंदर। बाबू क्या बनी है, क्या बनी हो? बाकिल। क्या नहीं बाकिल, राधा बनी हो बेटा। हाँ क्या बनी हो? वाह बहुत प्यारी लग रही है बाबू तो। दिखाना दिखाना, हले और एक प्यारी सी सबको पुच्ची दे दो। अब बोल दो हैप्पी जन्माष्टमी। फिर से बोल दो हैप्पी जन्माष्टमी। हाँ अब चलो प्यारा सा डांस कर दो, चलो खड़ी हो, हले कर दो। क्यों नहीं कर रही? बाबू बहुत ब्यूटीफुल लग रही है भाई। बाबू कितनी सुंदर लग रही है सारी। अच्छा बाबू शर्मा गई क्या? शर्मा गई क्या? हले हले बाबू शर्मा गई ना। चलो अच्छे सबसे बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो। सभी दिन के कितने बज रहे हैं जल्दी जल्दी से बताइए, कैसे बताएंगे आपको नहीं पता होगा, बहुत पहली बुझाती हूँ ना। तो अभी मैंने कॉम नहीं किया, बस साड़ी वगैरह पहन ली है, सब कुछ कर लिया है। लेकिन इधर दिखाओ बाबू क्या बनिए, देखिए राधा रानी काजल, देख रहे हैं कहाँ लगा दिए। राधा रानी कहो तो अभी जान दे दे। और राधा रानी, राधा रानी इधर देख लो, इधर देख लो। वाओ सो स्वीट, कितनी प्यारी लग रही है मेरी शोना बाबू।
अच्छे निकाल देते हैं अच्छे। चलिए आपको बाबू को बैक कैमरे से दिखाते हैं कैसे लग रही, फिर थोड़ी देर से मिलते हैं ठीक है। ए सोना इधर देखो इधर देखो इधर देखो, वाओ ब्यूटीफुल लग रही बाबू, क्या बना है? वाओ बहुत प्यारी लग रही भाई बाबू, तो क्या बना बाबू? ओले हले 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 हले, कितनी प्यारी लग रही है मेरी सोना, क्या बनी है राधा रानी? नहीं बनी है बाबू, राधा रानी बनी है। हाँ अच्छा दिखाओ दिखाओ, हाँ शादी में जाए, उतारने जा रही हो? अच्छा तो अच्छा बाय तो बोल दो सबको, पुच्ची दे दो। क्यों बाबू नहीं उतारेगा अभी? बाबू सुंदर बना है, कितना सुंदर, वाओ। अच्छा सबको नहीं दिखाओगे? सो गाइस अभी बज रहे हैं 4:30 और मौसम, क्या मौसम आया है, इधर आओ दिखाती हूँ, इधर आओ जल्दी से। और आज मैंने साड़ी पहनी थी, आप लोग तो देख ही चुके होंगे, ये देखिए कैसी लग रही बताइएगा ज़रूर। आज है जन्माष्टमी इसीलिए मैंने पहन ली है, बारिश हो रही थी तो कपड़े यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं। क्या मौसम आया है, भाग गए, क्या लेने गए हो? साड़ी बिक गई नीचे से मेरी, सुबह से इतनी मतलब 4-5 दिन से मेरे ख्याल से गर्मी कर रहा है ना, 4-5 दिन से गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही थी तो फाइनली आज बारिश हो गई। टिप्पे टिप्पे बारिश का पानी, पानी में आग लगाए, ये क्या है? हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, हवाएं पता नहीं आवाज़ जा रही होगी कि नहीं जा रही होगी क्योंकि बारिश हो रही है और हवा भी जोरों की चल रही है। चलिए आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं ठीक है। तो ये देखिए गाइस कितनी ज़ोरों की बारिश है और हवाएं देख रहे हैं कितनी तेज़ी तेज़ी से चल रही है। और आप लोगों को बता दूँ स्पेशल डे ये है कि आज है जन्माष्टमी में मेरी बाबू की, मैंने बहुत सारी क्लिप ऐड कर दी है क्योंकि एक यादगार के लिए, आप लोग भी देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। आज है जन्माष्टमी, आप लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो वो बारिश बहुत ही अच्छी हो रही जन्माष्टमी वाले दिन, तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर से। तब बारिश बहुत ही अच्छी हो रही थी और हम लोगों ने पकौड़ियाँ भी बना के खा ली, बारिश का मज़ा भी ले लिया। और आज मैं बाबू को बनाई थी ना, उसके लिए मैंने मंगाई थी मेरी चूनर, जो मेरी मंगाई नहीं थी मतलब निकाली थी, यार कभी कभी क्या क्या बोल जाती हूँ। और ये चुनरी जो है ना मेरी शादी की है, शादी की होती है ना निशानी यादगार जिसे हम करवा चौथ में ओढ़ते हैं, तो आज भी ओढ़ लेती हूँ, फिर से बन जाती हूँ दुल्हन। जब आप अपनी शादी की चुनरी वगैरह ओढ़ते हो तो बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आती है ना। तो ये मेरी शादी की है, बाबू को मैंने लगा दी थी लहंगे के ऊपर, काफ़ी अच्छी लग रही थी। और बस इसी तरीके से आज हमारा सारा दिन बीता है। तो चलिए मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर से, तब तक के लिए क्या बाय। वाओ बाबू क्या बना है, कृष्णा बना है, वाओ ब्यूटीफुल लग रहा है, दिखा दिखा दिखा, वाओ सुंदर लग, एक बार खड़ी हो जाओ खड़ी हो जाओ, नहीं खड़ी हो जाओ उस पे, अल्ले हल्ले खड़ी हो जाओ खड़ी हो जाओ खड़ी हो जाओ, वाओ ब्यूटीफुल लग रही हो, दिखा 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 दिखा, खड़ी हो, वाओ बाबू। पहले तो मैंने बाबू को क्या बनाया था, राधा रानी, और इसके बाद कृष्णा। बाबू तो मुझे राधा रानी और कृष्णा दोनों में ही क्यूट लगती है, आप लोगों को किस में क्यूट लग रही थी बताइएगा ज़रूर। पिछली बार वो कृष्णा के रोल में ज़्यादा अच्छी लग रही थी जब मैंने उसे कृष्णा बनाया था, लेकिन इस बार दोनों में ही अच्छी लग रही है, आप लोग बताइएगा कि किस में ज़्यादा अच्छी लग रही थी ठीक है। ओ बाबू सुंदर लग रही है, बाबू क्या बनी है? अच्छा अपने मुँह नहीं दिखाया, बता दो कृष्णा, कृष्णा बोलो, कृष्णा बोल दो, अच्छा बोल दो कृष्णा, बाबू कृष्णा बना है, वाओ
ये देखिए पानी बहुत तेज बरसा था, इस वजह से पानी जो है ना अंदर आ गया, तो मैंने कहा इसे कपड़े से मैं इस तरीके से गार गार के निकाल देती हूँ बाहर, वरना फिर अंदर भी जा सकता है, जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर अंदर चला जाएगा। और बाबू की यहाँ का टॉप का वो हुक खुल गया था तो मैं उसे लगाने लगी थी, और जो मैं करती हूँ उसी के साथ साथ वो मेरे पीछे लग जाती, वो भी कर रही थी, मना कर रही हूँ, आप देख रहे हो कैसे उठा उठा कर लगा रही है। तो बस इसी तरीके से सारे पानी को मैंने गार दिया। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ पे, जो मतलब कचड़े वगैरह पेड़ है ना नीम का, आपने देखा ना जो हवाएं चल रही थी तो वो गिरी हुई थी पत्तियां, कुछ टहनियां, तो मैंने कहा चलो फटाफट से इनको हम वाइपर से निकाल देते हैं। लेकिन जब मैं वाइपर से निकाल रही थी तो वो उतने अच्छे से नहीं निकल रहा था जितनी अच्छे से निकलना चाहिए। फिर मैंने कहा कि आज की चलो झाड़ू ले लेती हूँ, और मेरा बाल खुल जा रहा था बार बार, जूड़ा ऐसी लगाई थी पिन नहीं लगाई थी, तो यहाँ पर मैं ले आई हूँ झाड़ू। और इसके बाद मैंने कहा झाड़ू से फटाफट से मार लूँगी। और आप देख रहे हो साड़ी पहनकर उतनी अच्छे से काम नहीं हो पाता है, अगर आप रोज़ पहनते हो ना तो आपकी आदत हो जाती है, लेकिन अगर आप कभी पहनते हो तो वो मतलब हिसाब से नहीं हो पाता है, जैसे आप सूट में कर लेते हो ना आराम से, उस हिसाब से नहीं हो पाता, कभी इधर करो कभी उधर करो, नहीं समझ पाती हूँ मैं। तो वही मैंने सोचा कि कभी कभी साड़ियाँ डाल लिया करूँगी, इससे क्या होगा ना कि आपकी आदत भी पड़ जाएगी, आप काम भी आराम से कर लोगे। कभी ऐसा मौका पड़ जाता है कि जिसमें आपको साड़ी पहनकर काम करना ही पड़ता है, तो बस इसी वजह से। तो फटाफट से यहाँ पर ये देखिए मैं मार ली हूँ, और इसके जैसे लास्ट में मैं पहुँचती हूँ ना तो ऊपर देखती हूँ ना, अभी आप देखिएगा फिर से रिमझिम रिमझिम होने लगती है। तो कविता बोलती है जो मेरी देवरानी है विक्रम की वाइफ, वो बोलती भाभी छोड़ दो रहने दो फिर बरसेगा, तो फिर मैं फटाक से छोड़ के वहाँ से भागती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ भीग ना जाऊँ। इसके पहले मैंने कहा चलो जल्दी से पहले हाथ धुल लेती, क्योंकि हमने झाड़ू छुई है, और जब हाथ धुलने आती हूँ तो भूल जाती हूँ कि मैंने दरवाज़ा ही नहीं बंद किया ले। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो फटाक से हाथ धुल लेते, और जैसे ही मैं हाथ धुलने के लिए आती हूँ ना, बाबू को तो मौका चाहिए ही चाहिए, ये देखिए मतलब अपनी चाची को देखे जा रही है और चल दी है धोती वोती अपनी उठाकर पीछे 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 पीछे, तो मेरे ज़रूर उसको लगना है जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ जाना ही जाना है। तो बस फिर मैं डांटी वहाँ से, मैंने कहा चलो, और ये देखिए बारिश होने लगी थी, तो चलिए मिलती हूँ अभी आप लोगों से थोड़ी देर से। उठो साड़ी, चलो लहंगा लिए थे, लहंगा ही दे रहा है, रुक जाओ रुक जाओ, ए अब तुम लो 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 कौन, चलो चलो अंदर से लो, झूला टांगो, झूला टांगे, क्या हुआ झूला टांगे, अभी पापा आएंगे तो टांग देंगे। नहीं तो गाइस अब हम आ गए कहाँ, हमारे किचन में। बाबू को तो मेरे साथ रहने ही रहना है, तो वो अपनी जगह पर जाकर बैठ गई, और यहाँ पे बाबू का खाने का मन था भुट्टा, तो 5 आए थे गांव से भुट्टे, तो एक मैंने उससे पहले भूंज के रख दिया था, दे दिया था सॉरी, यानी कि एक दिन पहले, और ये दूसरे दिन की क्लिप है, यानी कि जब मैं भूंज रही हूँ, वीडियो एक ही दिन की है, लेकिन भुट्टा मैंने उसे एक दिन पहले ही भूंज के दे दिया था। तो यहाँ पर मैं 2 भूंज रही हूँ, तो एक गैस पे यहाँ पर मैं इसे पहले इस तरीके से चढ़ा दूँगी, जब भी आप इसे भूंजो ना बिल्कुल स्लो करके, तभी आप अच्छे से ये पक जाएगा और खाने में भी अच्छा लगेगा, अगर आप तेज़ करके भूंजोगे ना तो वो जल भी जाएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। फिर 2 मैंने साइड में रख दिए, लेकिन काफ़ी टाइट भुट्टा था खाने में, मतलब दांत से चबाया भी नहीं जा रहा था, बड़ा अजीब लग रहा था। तो यहाँ पे मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, तो बाबू बोली मम्मा आप भी बैठ जाओ यहाँ पे, मैंने कहा चलो तुम उधर चलो बेटा और साइड हो, तो फिर मैं भी चढ़ के बैठ जाती हूँ, पैरों में दर्द हो रहा था। ऐसे में शादी के पहले करती थी, जब खाना पीना बनाती थी ना तो उसी पे बैठ कर भूंज लेती थी। तो चलिए भुट्टा भूंज लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से कहाँ थोड़ी देर। तो गाइस ये देखिए बाबू के बर्थडे की जन्मदिन की तैयारी शुरू हो गई है, और ये लेकर आया है सामान, और अभी तक मैंने इसे नहीं देखा था, 3-4 घंटे वैसे ही रखा हुआ था ये। अब मैं जा रही हूँ ओपन करने, क्योंकि मुझे नहीं पता इसमें क्या क्या है, आपको दिखाऊंगी भी और देखूंगी भी। सबसे पहले ये लाए हैं, ये शायद गुब्बारे में भरा जाता है ना, बाबू नहीं करो गिर रहा है। तो ये लाए हैं, 2 है शायद इस तरह का है, इसमें वो जो ना थर्माकोल का होता है ना, गोला गोला होता है और थोड़ी सी किरकिरी, वो है। और ये लेकर आए हैं रोल, रोल तो मुझे नहीं पसंद है, मैंने मना किया था, हाँ बेटा मना ही किया था, लेकिन फिर भी ये ले आए हैं। तो 3 है रोलर, रोलर ही बोलते ना, 4 है रोलर, और मुझे नहीं पता था ये ले आए हैं, मैं इसको मना ही करती हूँ क्योंकि ये दीवार खराब हो जाती है इससे। और
ये बहुत ही प्यारा कलर लगता है। ये वाला कलर मैंने इनको स्क्रीन शॉट लेके भेजा था, ये देखिए अच्छा लग रहा है ना, ये वाला कलर अच्छा लगता है। और ये है मल्टी कलर, इसमें सारे कलर आपको मिल जाएंगे। दो पैकेट बैलून और ये यार दिखाओ यार, बाबू तो है ना वो अपना चालू हो जाती। वाओ ग्रे कलर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा है ना, ग्रे और ब्लू है। और ये मल्टी कलर, तीन पैकेट उन्होंने बैलून लिए हैं इस तरीके का। एक और ये है दो, हाँ ये है दो बड़े बड़े गुब्बारे जो बीच में फुलाए जाते हैं, उसी के लिए मुझे लगा ये किरकिरी लाए हैं। और ये है वो जो हम लोग नहीं देख रहे थे ऑनलाइन हैप्पी बर्थडे वाला, इसकी डिलीवरी बहुत ज़्यादा लेट थी, यही मैं इनको बोली थी देने के लिए। एक बार ओपन करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। बेटा रखा रहने दो, ये कुछ इस तरीके का है, ये पूरा इसमें लिखा हुआ हैप्पी बर्थडे। और ये हमको लग रहा है मल्टी कलर है ये भी, और मैंने इन्हें गोल्डन कलर बोला था लेकिन ये मल्टी कलर ले रहे हैं। चलो कोई नहीं, इसे मैं ओपन नहीं करूंगी पूरा, हाँ बेटा खराब हो जाएगा। तो ये है हैप्पी बर्थडे का, इसको इसी तरीके से रख देते हैं। बस इतना ही सामान अभी आया हुआ है, और जो मैं बनाई हुई हूँ वो मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। देखो है ये बाबू के बर्थडे के लिए है। और अभी मैं आपको अपनी चीजें दिखाती हूँ जो आज मैंने ली है, पहले इन सबको रखते हैं। तो ये देखिए आज मैंने लगभग 1000 की कांच की चूड़ियाँ ली हैं, क्योंकि मेरे पास चूड़ियाँ नहीं थी और कांच की काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में थी। ये जो सारी चूड़ियाँ हैं ना, ये मेरी सारी पुराने की हो गई, तो पुराने की हो गई मतलब पुरानी हो गई, शादी के टाइम जब मेरी शादी हुई थी जब मैंने ली थी। तो ये देखिए कविता बैठी है तो मैं उसी को दिखा रही थी, और काफ़ी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ हैं, किसी दिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ग्रीन ब्लू ब्लैक और काफ़ी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ ली हैं मैंने, आप लोगों को कैसी लग रही हैं बताइएगा ज़रूर। तो ये सारी मेरी पुरानी चूड़ियाँ हैं शादी के पहले की, तो इन्हें मैंने साइड रख दिया है और इन्हें अभी रखना है कहीं अच्छी जगह पर फिक्स करना है। तो चलिए फटाफट से इनको अच्छी जगह पर फिक्स कर देते हैं ताकि ये ख़राब ना हो, फिर आराम से मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर से, ठीक है। गाइस अभी बज चुके हैं रात के 9:30 और गर्मी इतनी ज़्यादा मुझे लग रही थी, उलझन लग रही थी। और आज मुझसे मेरे 1500 रुपए खो गए हैं, जिसके लिए मैं काफ़ी टेंशन में थी। इनसे मैं मांग के ले गई थी कुर्ती लेने के लिए, जो मैं आप लोगों को बताई थी ना कि ऑफर चल रहा था और 1500 के डिस्काउंट पे 1500 का डिस्काउंट था, तो वही कुर्ती लेने गई थी। लेकिन वो डिस्काउंट हट गया तो मैंने कहा कोई मतलब की नहीं है, फिर वो 1500 की पड़ रही थी तो फिर मैं नहीं लेकर आई, और उस पैसे को फिर मैंने पता नहीं कहाँ रख दी। अब मुझसे झूठ बोले कि पैसा खर्चे हो गया, इन्होंने बोला कितना खत्म हुआ, मैंने कहा सारा, मैंने कहा रख लूंगी काम आता है ना इमरजेंसी के लिए। और उतनी देर से काफी टेंशन में थी, ढूंढ के परेशान हूँ, लेकिन 1500 रुपए मेरे मिल नहीं रहे हैं। बाबू कहाँ? और इतना तो है मुझे यकीन है कि है तो घर में ही है, लेकिन याद नहीं आ रहा मुझे कहाँ रख दिए। जब आपका 1 रुपया भी खो जाता है ना तो ये होता है यार कहाँ है, परेशान हो जाते हैं। और मेरा तो समझ लो अगर मेरा 10 रुपये भी जाता तो मेरी जान जाती है। बहुत देर से परेशान थी, चेहरा उतर गया था, गर्मी लग रही थी, साड़ी वाड़ी उतार के रख दी साइड में, मैक्सी डाल ली, मैंने कहा पहले मैं पैसा मेरा ढूंढती हूँ, लेकिन नहीं मिला। मिल जाए आप लोग भी सोचिए, दुआ कीजिएगा कि मिल जाए, है ना। और ये जस्ट पूरे 1500 रुपए हैं इनको, मैं साख लग रहा है, अरे मिल जाए। 1-1 रुपए मेहनत से कमाते हैं और मेरे सामने तो ऐसे रिएक्ट करे, लेकिन मुझे भी पता कि हाँ चल रहा है ना यार, क्योंकि 1-1 रुपए कैसे कैसे लोग कमाते हैं। मिल जाएगा, मुझे भी लग रहा मिल जाएगा। तो क्या हुआ? कुछ नहीं, 100-100 रुपए भी थे, 100-100 ही थे, 1500, हाँ तब फिर मिल जाएगा, कहीं ना कहीं रखी होगी तुम पे तो नहीं तो यहाँ नहीं होगा, फिर कल देखना मिल जाएगा, अगर 100-100 के सब है तो मिल जाएगा पक्का। अरे यार इतना गड्डी होती है वो 100-100 की, कहीं ना कहीं तो मोटी थी तो ओके बाय बाय, एक अच्छी वीडियो के साथ।